रंग का काम देखिए, अलग सा जो इफेक्ट उन्होंने लाया है पत्थर में, वो एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। और साथ साथ में इनका जो स्क्रैप मटेरियल में भी काम है, उस काम में भी उन्होंने जान डाली है। और एक अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ जहांगीर आर्ट गैलरी में किया है। मुझे इनके काम में ज़्यादा कि जो इन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया है, जो गोल्ड लीफ स्कल्पचर के अंदर लगाने की इन्होंने जो प्रयास किया है, वो एक काबिले तारीफ है। और यही उन्हें एक आगे का रास्ता दे सकती है, इसे मुझे लगता है। तो अभी किरण जी सोचेंगे इसके ऊपर और अपना नया रास्ता ढूंढेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। मेरा नाम रतन शाह, मैं स्कल्प्टर हूँ। और किरण का काम देख के बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली पहले भी कुछ काम देखा मैं, लेकिन अभी कुछ कुछ नया मीडिया ऐड किया, तो वो भी मीडिया के साथ एक एक काम बहुत अच्छा लग रहा है। और टोटली मेटल का जो काम है एसएस में, वो बहुत मॉडर्न तरीक़े से किया है। लेकिन स्टोन का काम भी उनका बहुत अच्छा है, जो मेरे को ऐसा लगा जो उनका अपना जो कुछ होता है ना, ये इसमें मेरा ज़्यादा ग्रीप है, सिग्नेचर, वो मैं इन काम पे देख रहा हूँ। उधर भी दो तीन काम पे देख रहा हूँ। तो आई होप ऐसा और भी आगे कुछ सोचे तो बहुत ही अच्छा होगा, एज ए स्कल्प्टर और भी आगे जाए, यही मेरा प्रार्थना है। जो मेरा शो है इस बार का, जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है जहांगीर आर्ट गैलरी में, इसका इस बार का मेरा जो थीम है वो है लाइफ जर्नी ऑफ इमोशन करके मैंने इसको एक टाइटल लिया हुआ है। और लाइफ के अंदर जो भी आए हुए मुझे एक्सपीरियंस है, जो मेरे इमोशंस है और जो इंट्रैक्शन है मेरा लाइफ के साथ, वो मैंने डिपिक्ट करने का यहाँ पे कोशिश किया हुआ है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ये सामने जो कल स्कल्पचर है, ये हेड ऑफ द फैमिली है, मैंने इसका नाम दिया। और बाकी के सारे स्कल्पचर जैसे कि देखेंगे मदर एंड चाइल्ड है, वो कपल्स है, ऐसा करके मैंने हर एक का एक टाइटल दिया हुआ है। बाकी स्टील का काम का वो लाइफ के अंदर की जो भी आने वाले आगे की जो भी कठिनाई है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा ये किया है। जैसे वो एक रिंग वाला स्कल्पचर है, बियॉन्ड द रिंग करके उसको टाइटल दिया हुआ है। दैट मीन्स बियॉन्ड द रिंग, बियॉन्ड द वन सर्कल, सर्कल के आगे जाके हमको एक लाइफ का एक सर्कल है उसको पूरा करके उसके पार हमको जाना है, उसके आगे जाके हमको अपना अस्तित्व का एक स्थापित करना है, वो मैंने एक डिपिक्ट वहाँ पे किया है। यहाँ पे एक स्टील का स्कल्पचर है, वहाँ पे मैंने लाइफ में आने वाली कठिनाई को हमको जड़ से निकाल के देखना है, जस्ट पुल आउट योर एंजाइटी, स्ट्रेस और एनी नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ, वो मैंने डिपिक्ट करने का कोशिश यहाँ पे किया। बाकी स्टोन के स्कल्पचर्स हैं जो मकराना बैसलाना मार्बल में मैंने किए हुए, ब्लैक मार्बल में। और स्टील जो इस्तेमाल किया है मैंने हायर ग्रेड का, और इस तरीके से मैंने मेरा ये काम यहाँ पे डिस्प्ले किया है।